والصلاه والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ أوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا जब जा बैठे वो नौजवान उस गार में तो कहने लगे हमारे परवरदिगार हम पर अपने हाथ से रहमत नाजल फरमा और हमारे काम में दुरुस्ती के सामान मुहैया फरमा। तो हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा, फिर उनको जगा उठाया ताकि मालूम करें कि जितनी मुद्दत वो गार में रहे दोनों जमातों में से उसकी मिकदार किसको खूब याद है। हम उनके हालात तुमसे सही सही बयान करते हैं। वो कई नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए और हमने उनको और ज्यादा हिदायत दी और उनके दिलों को मजबूत कर दिया। जब उठ खड़े हुए तो कहने लगे हमारे परवरदिगार आसमानों और जमीन का मालिक, हम उसके सिवा किसी को माबूद समझ कर न पुकारेंगे। अगर ऐसा किया गया तो उस वक्त हमने बड़ी नजकल बात कही, हमारी कौम के लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना रखे हैं, भला ये उनके इलाह होने पर कोई दलील क्यों नहीं लाते, तो उससे ज्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ गढ़ ले। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाहर वाला स्पीकर जो है इसकी आवाज आ रही है, नीचे वाला पंद्रहवें पारे में सूरह कहफ की चंद आयात करीमा इस वक्त तिलावत की है। आज की इन आयात करीमा के मजमून का ताल्लुक भी उसी मौजू के साथ है जो इससे पहले बयान होता चला रहा है। असल बात चंद मिनट बाद वाज़ह होगी। तर्जमाए आयात से एक वाक़े की तरफ आपका ज़हन मुंतकिल हुआ होगा जो तारीख़ी इंसानी का बड़ा ही मारूफ वाक़या है।
इन आयत करीमा में चंद ऐसे सजीले और हुर्रियत पसंद नौजवानों की दास्तान हुर्रियत है जिन्होंने अपने जमाने में बातिल इक्तदार के ज़ेर साया परवरिश पाने वाले गलत अकायद के खिलाफ ऐलान जंग किया था। एक बार यहूदियों के उकसाने पर मुशरिकीन मक्का ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा कि बताओ वो गार वाले लोग कौन थे और उनकी हकीकत क्या है। इसी तरह मजीद दो सवाल भी पूछे सरवरे कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि कल आना बता दूंगा। कल आने में क्या देर लगती थी, कल भी आ गया और वो लोग अपने सवाल के जवाब लेने के लिए भी हुजूर खिदमत में हाजिर हो गए। सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख्याल था कि कल तक वही आ जाएगी। जिब्रील अमीन से पूछकर इनके सवाल का जवाब दे दूंगा। लेकिन जिब्रील अमीन का आना ये तो जाहिर है कि अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ था। आम तौर पर सुबह या शाम हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाया करते थे। इसी बिना पर अल्लाह के पाक पैगंबर ने वादा फरमा लिया कल का कि कल जवाब दूंगा। क्या बात है, ये क्यों शोर कर रहा है स्पीकर? बाहर तो गड़बड़ नहीं कर दी इन तार मिलाने वालों ने? अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मामूल को पेश नजर रखकर वादा फरमा लिया। लेकिन जब वादा फरमा रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना जुमला फरमाया था कि कल बताऊंगा, बस। इस पर मजीद कोई जुमला अल्लाह के पाक पैगंबर ने नहीं फरमाया। खुदा की शान बेनियाजी पर और उसके इस्तिग़ना पर कुर्बान जाए कि वो हर काम अपनी मर्जी के मुताबिक करता है। वो किसी की मर्जी के मुताबिक न काम करता है न मजबूर है। कुरान पाक यही सबक हमें सिखाता है। कुरान पाक में जितने वाकयात हैं और जितने किस्से हैं, हर किस्से के अंदर कोई ना कोई सबक मौजूद है। और ये सबक इस कायनात के आखिरी इंसान तक हर जमाने में हर इंसान के लिए सबक है। यह कोई किस्सा है पारीना नहीं कि सदियों या हजारों वर्ष पुराने वाकयात कुरान करीम नकल करता है। आज
उन वाकयात के अंदर हमारे लिए किसी किस्म का कोई सबक नहीं है। अगर कोई शख्स ऐसा सोचता है तो दर हकीकत उसकी कुरान पाक से नावाकफियत की ये दलील है। जैसा कि बहुत से पढ़े लिखे जो आला का ये तसव्वुर है, बजाम खैश वो तालीम याफ्ता अपने आप को समझते हैं और ग्रेजुएट समझते हैं, लेकिन उनकी तालीम का सारा महवर वही यूरोप का मगरबी निजाम तालीम है। उन्होंने दीन कब सीखा? जाकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में। अगर किसी दरवेश के सामने जानू तलम्मज तय करते और उनकी वो खुद साख्ता बढ़ाई और गुरूर और तकब्बर उन्हें इजाजत देता, वो किसी अल्लाह के घर में जाकर किसी दरवेश के पास कुछ लम्हात गुजारते और अपने जहन और दिमाग को खाली करके इल्मियत का जो जोम है उसको निकाल कर खाली उस जहन होकर कुरान करीम को सीखने की कोशिश करते, तो यकीनन कभी उनका ख्याल इस किस्म का न पैदा होता कुरान पाक के बारे में। कुरान पाक की एक एक आयत और एक एक वाक्या ताजा बताजा है हर जमाने और हर दौर के लोगों के लिए। बाकी रही कि किसी को यह समझ में नहीं आती, आंखें अगर हैं बंद तो फिर दिन भी रात है, इसमें भला कसूर क्या है आफताब का? इस जमाने में लोग साइंसी उलूम सीखने के लिए बर्स लगा देते हैं, तिब्ब हिकमत और डॉक्टरी सीखने के लिए भी कई बर्स गुजार देते हैं, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के अंदर रगड़े खाते रहते हैं, लेकिन कुरान करीम को इस कदर मामूली समझ रखा है, वो समझते हैं कि सरसरी और सतही किस्म का मुताला, उर्दू जुबान में लिखी हुई किसी तफसीर को पढ़कर हम कुरान पाक को समझ जाएं, ये इंतहाई खाम ख्याली है और नासमझी की बात। कुरान पाक मंबा उलूम और इल्म और रुश्त हिदायत का सरचश्मा है। जब तक इस समंदर की गहराई में कोई शख्स उतरने की कोशिश नहीं करेगा, इससे मोती नहीं चुन सकता। सरवर कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया, मगर ये जहूल हो गया, भूल गए ये जुमला कहते हुए कि कल बताऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नसियान तारी हुआ और यूं न फरमाया कि अल्लाह ने चाहा तो कल बताऊंगा। अल्लाह के पैगंबर का ये उसलूब गुफ्तगु बारगाह खुदावंदी में महसूस किया गया और वही रोक ली गई। दूसरे दिन लोग सवाल का जवाब लेने के लिए आए, हुजूर ने फरमाया अभी काल नहीं मिली, अभी राबता कायम नहीं हुआ, जब राबता कायम हो जाएगा तो बता दूंगा। आप अंदाजा फरमाएं कि वो लोग जो पहले ही दुश्मन थे और बहाने तलाश करते थे और अल्लाह के पैगंबर को गलत समझते थे कि ये खुद साख्ता नबी है, अगर अल्लाह ने किसी को नबी बनाना ही था तो मक्का और ताइफ के किसी चौधरी को खुदा ने पैगंबर क्यों नहीं बनाया, किसी नादार और गरीब इंसान को पैगंबर क्यों बना दिया गया? लौला नुज़िल हाज़ल कुरान वाला रजुल मिनल क़रयतैन अज़ीम कहा करते थे, ये कुरान इन दो शहरों के किसी अजीम इंसान पर, किसी बड़े शख्स पर क्यों नाजल नहीं हुआ? इस अब्दुल्लाह के यतीम पर जो पैदा भी हालत यतीमी पर हुआ और गुरबत का ये आलम है कि कुरैश मक्का की बकरियां चरा चरा कर जिंदगी गुजारते हैं, नादानों ने आज के जमाने के जहला के मिजाज के मुताबिक नबूवत और सरमायादारी को लाजिम और मलजूम समझा,
जबकि ये बात गलत है। नबूवत का सरमाएदारी के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं, नबूवत का इख्तदार के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, अल्लाहु आलम हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह को खूब मालूम है कि उसने नबूवत और पैगंबरी कहां रखनी। वो इख्तदार से मरूब नहीं होता और किसी के मालदारी से भी मरूम नहीं होता, वो तो बातन की हकीकत को जानने वाला है और बातन ही पर उसके फैसले होते हैं, जाहिर पे वो फैसले नहीं फरमाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आना बंद हो गई, तंस और तानो तशनी का कोई अंदाज ऐसा नहीं था जो मुशरिकीन ने इख्तियार न किया हो, और बुजाल ने तो बुग्स और अदावत में डूबा हुआ एक जुमला जुबान से यूं भी निकाला, इन्न मुहम्मदन कद वद्दा रब्बहू, लो जी मोहम्मद की यारी अपने रब से टूट गई, इसको उसके खुदा ने छोड़ रखा, अब वैसे ही हाथ पांव मार रहा है। अगर सच्चा नबी होता तो इसे अस्हाबे काहफ का किस्सा क्यों मालूम ना होता और उनकी पूरी दास्तान क्यों मालूम ना होती। जब सरवरे कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक ये आवाज पहुंची, ये इत्तला मिली कि अबू जहल ने भी यूं तंज करना शुरू कर दिया कि मोहम्मद का रिश्ता अपने रब से टूट चुका है, तो अल्लाह के पैगंबर बेकरार हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बारगाह खुदावंदी में इल्तिजा करने लगे, परवरदिगार तेरी खुशनुदी की और रजा की खातर सब कुछ मुझे गवारा है और सब कुछ कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूं, वतन को छोड़ना भी आसान, खानदान से ताल्लुकात तोड़ना भी आसान, मारे खाना भी आसान, जख्मी होना भी आसान, मगर यह गवारा नहीं कि मेरा और तेरा रिश्ता टूट जाए। सबसे ज्यादा मुश्किल बात मेरे लिए यही होगी, हर रिश्ता हर ताल्लुक छूट जाए टूट जाए आसान है, कोई परवाह नहीं, मगर तेरा ताल्लुक टूटे तो इससे बड़ी नागवार और इससे बड़ी मुसीबत मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। अल्लाह के पैगंबर के इस इस्तिराब को सामने रखकर, और इस अरसे में 18 दिन गुजर गए, सुबह शाम मुशरिकीन आते हैं प्रोपेगंडे को मजीद तेज तर करने के लिए, और गली गली में फिरकर एक एक इंसान के पास जाकर एक एक मुसलमान के पास जाकर उसको उकसाते हैं नबी के खिलाफ, तो लो अपने साथी का हाल मालूम करो जिसको तुम खुदा का नबी समझते हो उसकी तो यही हालत है, उसके पास कोई जवाब नहीं है, वो कहता है मुझ पर खुदा की वही आती है, कहां गई उसकी वही। ये 18 दिन अल्लाह के नबी पर यूं गुजरे गोया के कई हजार साल खुदा के नबी पर गुजर गए। 18 दिन के बाद खुदा की वही आई, और वही जब आई तो सबसे पहले तो रब्बुल आलमीन ने अपने आफाकी दस्तूर की वो शिकें अल्लाह के नबी को याद दिलाई कि जिसकी रियायत न रखने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रंज और गम उठाना पड़ा, और जानबूझकर खुदा के नबी ने ऐसा नहीं किया, निसियान तारी हो गया, भूल हो गई कि हर इंसान दुनिया में ऐसा है कि उस पर निसियान तारी हो ही जाता है, उससे भूल हो ही जाती है। सबसे पहला इंसान इस दुनिया में जो आया उससे भी भूल हो गई थी, तो उसकी औलाद से क्यों भूल ना होगी। सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम सब जानते हैं, फनसिया आदम वलम नजिद लहु अजमा, सूरह ताहा में अल्लाह फरमाते हैं आदम से निसियान हो गया, भूल हो गई, उन्हें रोका था कि इस दरख्त के करीब न जाना मगर इस ममानियत को भूल गए, कसदन जानबूझकर खुदा की नाफरमानी नहीं की थी, भूल हो गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आफाकी दस्तूर की शिकें याद दिलाई, सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई, उस रंज और गम और उस अलम के पहुंचने पर
हुजूर आले सलात वसलाम को तसल्ली दी गई, और तसल्ली देते वक्त वही अंदाज इख्तियार फरमाया रब्बुल आलमीन ने, और उन्हीं अल्फाज के अंदर अल्लाह ने तसल्ली दी कि जिन्हीं अल्फाज को इख्तियार करके अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंज किया था। उसने कहा था ना, इन मुहम्मदन कद वद्दा रब्बुहु, मुहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया। तो अल्लाह ने तसल्ली देते हुए फरमाया, वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। अंधेरों का पर्दा चाक करने वाले सूरज की जवानी और शबाब की कसम, अल्लाह ने कसमें उठाकर कायनात की फितरी सच्चाइयों की कसम उठाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को तसल्ली दी कि अबू जहल झूठ बोलता है कि मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया है। फरमाया, वज़ुहा, अंधेरों का पर्दा चाक करने वाले सूरज की जवानी और शबाब की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, धरती को अपनी सन्नाटों की आगोश में ले लेने वाली रात की हमागीर स्याही की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, मेरे लाडले पैगंबर, आपके दुश्मन की मत मारी गई है, इसका नामो निशान मिट जाएगा, ये पेबंद जमी हो जाएगा, दुनिया में कोई भी इसका नेकी के साथ और अच्छाई के साथ नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। जब भी दुनिया में किसी इंसान के ख्याल के अंदर या उसकी जबान पर अबू जहल का नाम आएगा तो नफरत के साथ ही आएगा, मोहब्बत के साथ नहीं आएगा। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, अलम यजिद का यतीमन फआवा, मेरे लाडले पैगंबर, आपका रब न आपसे नाराज हुआ न उसने अपना ताल्लुक और रिश्ता आपसे तोड़ा, ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है, मैंने तो अपना ताल्लुक आपके साथ उस वक्त भी कायम रखा था जब दुनिया में कोई इंसान आपका सहारा ना था। पैदाइश के वक्त से पहले ही आपके सर के ऊपर से अपने बाप का सहारा उठा लिया, पैदा होने के बाद मां का साया भी उठ गया, मुझे ये गवारा नहीं था कि मेरा मोहम्मद दुनिया में किसी और के सहारे के नीचे परवरिश पाए, में मेरा साया ही तेरे लिए काफी था। मां का साया भी उठा लिया, बाप का साया भी उठा लिया, मैं खुद तेरा साया बन गया। अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या यतीमी की हालत में तुझे नहीं पाया और फिर आपको ठिकाना अता किया। ववजदक दाल्लन फहदा, अपनी जात से नावाकिफ पाया तो मैंने रास्ता दिखा दिया। मैंने जब उस जमाने में आपसे अपना ताल्लुक नहीं तोड़ा तो आज क्यों कर मुमकिन हो सकता है, अब तो आप मेरे मिशन और मेरे प्रोग्राम को दुनिया में चलाने के लिए कमर बस्ता हो गए। इस अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, तसल्ली देने के यूं समझे कि रब्बुल आलमीन ने अपने रहमत के पल्लू से पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के आंसुओं को पूछ दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद फिर अपना दस्तूर याद दिलाया। फरमाया, मेरे पैगंबर, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्लियां दी गई तो अर्ज किया, या अल्लाह, अगर रहम व करम और लुत्फ व इनायत का ये मामला है तो फिर ये वही क्यों बंद कर दी गई, वही के बंद होने पर मुझे ये ज़हनी अज़ियत बर्दाश्त करना पड़ी है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, हां मेरे नबी, वो पहली बात राबते की थी, ताल्लुक की बात थी, जहां तक ताल्लुक की बात है वो कभी खत्म नहीं हो सकता,
दुनिया में जब तक मेरा नाम लिया जाएगा साथ साथ आपका नाम भी लिया जाएगा, जब तक ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ा जाएगा मोहम्मद रसूलल्लाह भी साथ साथ पढ़ा जाएगा, जब तक मुअज्जिन मस्जिद के अंदर अशहदु अल्लाह इलाह इल्लल्लाह कहेगा साथ ही अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलल्लाह कहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राबते का आलम तो यह है, ताल्लुक की बात यह है, रही दूसरी बात वह है जाबते की बात। और जाबता बहरहाल जाबता होता, वो किसी बड़े और छोटे के लिए तब्दील नहीं किया जाता। मेरा अटल कानून और अटल जाबता है पूरी कायनात के लिए, नबी हो के वली हो, जिन हो के इंसान हो, बड़ा हो के छोटा हो, पहला हो के पिछला हो, फौतशुदा हो या जिंदा हो, मेरा जाबता बहरहाल जाबता है और अटल कानून है। वो आपके लिए भी है और दूसरे के लिए भी है। आपको अगर ये जहनी रंज और तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ी तो ये तो बताइए कि जब साइल के सवाल का जवाब देते वक्त आपने कहा था कि कल आना बता दूंगा, क्यों नहीं कहा था इंशाअल्लाह कल बताऊंगा? आइंदा कल क्या होगा ये किसे मालूम है? कौन जानता है कि कल क्या होगा? कल के वाकयात, कल के मुआमलात न किसी को मालूम है, और खुसूसन अल्लाह की मर्जी को अपनी मर्जी के मुताबिक कर लेना ये कौन दुनिया में कर सकता है? वो जाबते की बात थी, ताल्लुक की बात थी जो मैंने पहले बयान कर दी, अब ये जाबते की बात है। वो राबते की बात थी, ये जाबते और कानून की बात है। कानून मेरा ये है कि आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा, उस पर तंबीह करते हुए मैंने 18 दिन तक वही बंद रखी। इस वाक्य के ज़मन में एक चीज आप हजरात का ज़हन उस तरफ मुंतकिल करा के समझाना है। मुझे किस्सा बयान करना मकसूद नहीं, मैं तो अपने गरज की बात करता हूं। किस्सा तो ज़मनन बयान होता है कि बात को समझाया जाता। मेरा दावा यह था मसला तौहीद बयान करते वक्त कि सब कुछ जानने वाला अल्लाह है और सब कुछ कर सकने वाला अल्लाह है, उसके बगैर हर चीज को हर वक्त हर जमान और मकान में कोई नहीं जान सकता, और उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। इसी किस्से पे गौर फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवाल पूछने के लिए आए, 3 सवाल पूछे थे, मैंने जानबूझकर 2 सवाल जिक्र नहीं किए कि इस वक्त उनको बयान नहीं कर सकूंगा। 1 सवाल का जिक्र किया है जो अस्हाबे कहफ गार वाले लोगों के मुतल्लिक पूछा गया था। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कल आना बता दूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम कल पर क्यों टाल रहे हैं इस बात को? और जब दूसरा कल आया तो फिर कहा कि कल आना बता दूंगा। अला हज़ल क़यास हर रोज फरमाते हैं कि आज मालूम नहीं हुआ, कल आना बता दूंगा। आप सोच कर जवाब दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानबूझकर वैसे ही उस शख्स को टला रहे थे और हुजूर को उन सवालों का जवाब मालूम था, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनका जवाब मालूम नहीं था, हुजूर अलैहिस्सलाम सलाम वही के मुंतजिर थे? अगर उन सवालों का जवाब खुदा के पैगंबर की जेब में होता, रसूलुल्लाह सल्लम उसी वक्त ना बता देते? नबी का मामला तो आम दुनिया के इंसानों से मुख्तलिफ है। नबी से बड़ा रहीम और शफीक और हमदर्द और गमखार इंसान इस धरती पर कौन पैदा हो सकता? तो जानबूझकर खुदा के पैगंबर उन लोगों को टला रहे हैं, हर किसी जैसा नहीं हो सकता। अगर पैगंबर को इन सवालों का जवाब उस वक्त मालूम होता तो कभी वही आने पर से मौकूफ ना रखते। मालूम होता है कि हर चीज का जानना सिर्फ अल्लाह अल्लाह मुल्गयूब का काम है, उसकी मर्जी उसके बताए बगैर कोई नहीं जान सकता। एक बात तो इल्म गैब की हो गई। गैब का इल्म होता तो हजारों साल पुराने वाकयात रसूलुल्लाह सल्लम को मालूम होते। रसूलुल्लाह ने ये वाकयात उस वक्त बताए हैं जब सूरह काहफ के अंदर ये पूरी दास्तान और पूरी तफसील बयान हुई है, उस वक्त रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया। सूरह काहफ नाजल हुई, हुजूर ने बयान फरमाया
मैंने यह दावा किया था कि इख्तियार कुल्ली खुदा के पास है, सब कुछ करने वाला अल्लाह है, फ़ाल लिमा युरीद यफ़अलुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है करता है, यफ़अलु मा युरीद अपने इरादों के मुताबिक काम करता है, किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं चलता। यह जुदा बात है कि कोई दामन फैलाकर उससे मांगना शुरू कर दे तो वह रहम करम का मामला फरमाते हुए उसकी दामन में कोई भीख डाल दे, लेकिन यह कि कोई अल्लाह पर अपनी मर्जी को चला रहे, इस धरती पर कोई ऐसा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जो सब कुछ जानने वाला हो और सब कुछ करने वाला हो। अगर अल्लाह पर अपनी मर्जी को ठोंसने वाली बात होती, अगर अल्लाह पर अपनी मर्जी को ठोंसने वाली बात होती तो 18 दिन वही के इंतजार की कोई जरूरत ना होती, पहले ही दिन रसूलुल्लाह सल्लम हुक्म देते तो वही जमीन पर आ जाती। कुरान करीम ये वाकयात जिक्र करके इंसानों के जहन को इस तरह मुतवज्जे कराता है कि लोगों, अगर इस कायनात के सबसे बड़े इंसान का मामला यह है, अल्लाह की महबूब तरीन शख्सियत, अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा महबूब इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी मर्जी ठोस नहीं सकते रब्बुल आलमीन पर, तो फिर दुनिया में कौन मां का लाल है जो जबरदस्ती खुदा बंदे की बात मनवा सके। अगर अपनी मर्जी की बात होती तो उस दिन वही ना आ जाती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ज़ाब्ते याद दिलाया और ज़ाब्ते याद दिलाते वक्त यूं फरमाया, वला तकूलन लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा, वला तकूलन लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। मेरे लाडले पैगंबर, आने वाले कल के बारे में अगर कोई सवाल पूछे या अज खुद आइंदा के बारे में कोई बात जुबान से निकालो तो कोई बात भी उस वक्त जुबान से मत निकालो जब तक उसके साथ इंशाअल्लाह ना लगा दो, क्योंकि आप और दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जो ये जान सके कि आइंदा कल क्या होगा। कुरान पाक में सूरह लुकमान की आखिरी आयत, इन्नल्लाह इंदहू इल्मुस्सा, 5 चीजों के बारे में कुरान करीम ने ऐलान कर दिया कि अल्लाह ही जानता है। इन्नल्लाह इंदहू इल्मुस्सा, अब्बासी खलीफा मामून रशीद ने ख्वाब देखा, मलकुल मौत दिखाई दिया, उससे पूछा कि ये तो रूहों को कब्ज करने वाला है, चलो इससे पूछ लेता हूं मेरी जिंदगी कितनी बाकी नजर बाकी रह गई, ताकि उसके मुताबिक आइंदा अल्लाह अमल मुरतब कर लूं। मलकुल मौत से पूछा मेरी जिंदगी कितनी बाकी है, मलकुल मौत ने हाथ का यूं इशारा किया, हाथ का पंजा दिखाया, गया 5 उंगलियां सामने करके गायब हो गया, कोई जवाब जुबान से नहीं दिया। बेदार होने के बाद बड़े बड़े जी इलम लोग बुलाए, मुअब्बिरीन बुलाए, बताओ मलकुल मौत के इस इशारे का क्या मतलब है जबकि मैंने पूछा था कि मेरी जिंदगी कितनी बाकी। किसी ने कहा लगता है कि 5 साल बाकी रह गए हैं, तैयारी कर लो। दूसरे ने कहा हजरत जी हो सकता है कि सालों पर मामला ना छोड़ा, 5 महीने ही बाकी रहे हों। तो तीसरा कहने लगा 5 महीने के क्या देर है भाई, 5 हफ्ते भी हो सकते हैं, बल्कि 5 घंटे भी हो सकते हैं। जाहिर है कि इन मुख्तलिफ किस्म के जवाब को सुनकर उसको जहनी तश्वीश हुई कि कोई हल नहीं है इस बात का। उस जमाने में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद थे। इस इस्तिराब परेशानी के आलम में खलीफा ने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से सवाल पूछ भेजा कि इमाम साहब आप बताइए मलकुल मौत के इस हाथ के इशारे का क्या मतलब है जब मैंने सवाल पूछा। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि ना 5 साल मुराद हैं ना 5 महीने,
ना 5 हफ्ते मुराद है, ना 5 दिन और ना 5 घंटे। असल में मलकल मौत ने हाथ का इशारा देकर बता दिया कि तुम्हारे सवाल का जवाब उन 5 उलूम के अंदर मौजूद है जो सूरह लुकमान के आखिर में मनकूल है। वो क्या है? इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा। क़यामत कब आएगी दुनिया में कोई नहीं जान सकता। सरवरे कायनात से पूछा, ये भी जबरील अमीन ने पूछा था, मिश्कात में रिवायत मौजूद है, हदीस की दूसरी किताबों में। 5 सवाल पूछे थे जबरील अमीन ने भेष बदलकर इंसानी रूप में आकर, और 5वां सवाल यह था, मतस्सा, क़यामत कब आएगी? अल्लाह के पैगंबर ने जवाब में फरमाया, मल मसूल अनहा बिआलम मिन असाइल। ए सवाल पूछने वाले, ये सवाल इस वक्त जिस इंसान से पूछा जा रहा है, यानी हुजूर ने अपनी तरफ इशारा फरमाया, इस वक्त जिससे ये सवाल पूछा जा रहा है, इस सवाल के जवाब के बारे में वो सवाल पूछने वाले से ज्यादा कुछ नहीं जानता। यानी अगर इस सवाल का जवाब तुम्हें मालूम नहीं तो मुझे भी मालूम नहीं। कुरान करीम में दूसरे मकाम यूं फरमाए, वइंदहु मफातिहुल गैब, गैब की चाबियां भी अल्लाह ने अपने पास संभाल रखी हैं। वयालमु मा फिल बर्र वल बहर, वही जानता है सहराओं के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं और दरियाओं के अंदर भी। वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा, इस धरती के दामन में उगने वाले दरख्तों के ऊपर जितने पत्ते हैं और कौन सा पत्ता जमीन पर किस वक्त रात और दिन में गिर रहा है, कोई नहीं जानता उसके सिवा। इसी तरीके से यहां फरमाया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है। हां, बाज निशानियां ये रसूलुल्लाह को बताई गई, जैसा कि मिश्कात की रिवायत में मौजूद है। मसलन एक निशानी हुजूर ने यह बयान फरमाई, अंतलिदल अमतु रब्बतहा। जिब्रील अमीन ने पूछा था ना, अखबरनी अन अमारातहा, चलो निशानियां ही बता दो, वक्त मालूम नहीं, घड़ी मालूम नहीं, निशानियां ही बता दीजिए। हुजूर ने फरमाया, हां निशानियां बता देता हूं जो अल्लाह ने मुझे बताई हैं। एक ये कि मालकन अपनी लौंडी को जनेगी, मालकन अपनी लौंडी को जनेगी। मुहद्दिसीन हदीस पाक इस जुमले की तशरीह फरमात वो लिखते हैं कि कुर्ब कयामत के अंदर औलाद की नाफरमानियों की तरफ इशारा फरमाकर अल्लाह के पैगंबर ने यह फरमाया कि बेटे तो नाफरमान होंगे ही, बेटी जिसकी सरिश्त और फितरत के अंदर मां बाप की फरमामरदारी पाई जाती है, हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे और दिगरगुं हो जाएंगे कि बेटी जैसी वफादार जिंस भी इतनी नाफरमान हो जाएगी कि अपनी मां को अपनी लौंडी समझकर उस पर हुक्म चलाएगी। मालकन लौंडी अपनी मालकन को जनेगी, यानी जिस मां ने उस बेटी को जना है वो मालकन पर बैठी है और मां को लौंडी समझ रही है। वह अंतरल खुफातल और आतल आलत और वाशाय तलावलुना फिल बुनियान। और हुजूर ने फरमाया, क्यामत की एक निशानी यह है, जो बरेना पैर फिर रहे थे, नंगे पांव फिरने वाले, नंगे बदन फिरने वाले, भेड़ बकरियों के चराने वाले चरवाहे, देखोगे कि हालात पलट खाने के बाद उनके पास अचानक सरमाया और दौलत आएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और महल्लात तामीर करके बड़े फख्र और गुरूर के साथ और कर और फर के साथ और तमतराक के साथ बैठकर वहां गुरूर और तकब्बर का मजाहरा करेंगे, और उसके मुकाबले में बड़े बड़े खानदानी किस्म के लोग, बड़े बड़े शरीफ लोग जो हैं उनको हेज समझेंगे, गोया शराफत का और खूबी का और अच्छाई का मेयार महज सरमाया और दौलत बन जाएगा, जैसे कि इस जमाने में देखते हैं कि जिसके पास सरमाया है और जिसके पास दौलत है और जो साहिब इख्तदार है
چاہے وقت کا پرلے درجے کا کمینہ انسان ہو لیکن اس کو معزز سمجھتے ہیں. حتیٰ کہ طوائفوں کا یہ معاملہ ہے کہ ناچ کر اور گا کر اور ضمیر فروشی کر کے رہے, عزت فروشی کر کے, جسم فروشی کرنے کے بعد بتیرا سرمایہ حاصل کر لیا جائے, اس کو تمغوں کے ساتھ بھی اور ریوارڈز کے ساتھ بھی نوازا جاتا ہے. اور آج ایک صوفی اور درویش کو بھی اسی صف میں لے جا کر ان حکمرانوں نے کھڑا کر دیا ہے جہاں ایک طوائف جا کر گانے بجانے والے کھڑی ہو جاتی ہے. حالات نے اس قدر پلٹا کھایا. کیا معیار ہے اس زمانے میں شرافت کا؟ اگر کسی کے پاس سرمایہ نہیں وہ وقت کا ولی اللہ ہے, کوئی پرسان حال نہیں اس کا. لیکن اگر کسی کے پاس سرمایہ ہے تو سب اس کے پیچھے پیچھے. میرے دوستو, آج لوگوں کی ذہنی کیفیت اس قدر بدل چکی ہے. اللہ کے پیغمبر نے یہی سبق پڑھایا تھا, خدا کے قرآن کریم نے یہی سبق دیا ہے کہ اچھائی اور برائی کا معیار سرمایہ اور دولت نہیں ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں, سرمایہ اور دولت ہونا یہ کوئی برائی کی دلیل بھی نہیں, اور اقتدار ہونا یہ برائی کی دلیل نہیں, لیکن مفلس و نادار ہونا بھی یہ عیب کی دلیل نہیں. دیکھیے, ہمارے سامنے خدا نے مثالیں پیش کر دی ہیں. مصر کی وزارت پر حامان بیٹھتا ہے, ذلیل ہے, اور مصر کی وزارت پر یوسف علیہ السلام بیٹھتا ہے, خدا کے نزدیک معزز ہے. دونوں صاحب اقتدار ہیں لیکن ایک ذلیل انسان ہے, دوسرا معزز انسان ہے. معلوم ہوا کہ اقتدار پر عزت اور ذلت کے فیصلے نہیں, ایمان پر ہے عزت اور ذلت کے فیصلے. ہم دیکھتے ہیں کہ قارون بڑا سرمایہ دار ہے مگر اللہ کے نزدیک ذلیل ہے. اس کے مقابلے میں حضرت عثمان بھی سرمایہ دار ہیں لیکن خدا کے نزدیک معزز ہیں. ہم دیکھتے ہیں نمرود اور فرعون کے پاس اقتدار ہے مگر وہ عند اللہ ذلیل اور خوار ہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے پاس ملوکیت ہے, بادشاہی ہے, لیکن اللہ کے نزدیک معزز ہیں. یہ معیار نہیں ہے حق کا جو آج ہم لوگوں نے اپنی ذہنی پستی کی بنا پر اور مادیت میں ڈوبنے کی بنا پر ہم نے قائم کر رکھا ہے. محمد رسول اللہ کی تعلیمات سے جس قدر ہم بیگانہ اور نا آشنا ہوتے چلے گئے, اسی قدر ہم اپنی حقیقت کو بھی فراموش کرتے چلے گئے. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بیان فرمائی. سورہ لقمان کے آخر میں وہ آیت بیان کر کے ختم کرتا ہوں, موضوع تو لمبا ہے انشاءاللہ. پھر ان اللہ عندہ علم الساعہ, قیامت کب آئے گی اللہ ہی جانتا ہے اس وقت کو, اس گھڑی کو. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کب آئے گی اللہ ہی جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. آپ کہیں گے جی میں ایک موسمیات والے بتا دیتے ہیں, وہ لطیفہ تو سنا ہوگا, کسی آدمی نے اپنی کھڑکی سے جھانک کر جو دیکھا گلی میں گلے گلے تک پانی میں ڈوبا ایک صاحب چل رہا ہے. حضرت جی آپ کون ہیں بتائیے. فرمانے لگے میں اناؤنسر ہوں, ریڈیو پاکستان سے اس وقت اناؤنس کر کے آ رہا تھا کہ موسم خشک رہے گا. وہ جو موسم خشک رہے گا کہ اس کے اعلان کر گیا تھا, بعد میں آیا تو پانی میں ڈوبا چلا جا رہا. شب و روز ہم اس کا مشاہدہ نہیں کرتے. ان وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, وہی جانتا ہے بارش کب آئے گی. اگر کسی نے آثار اور قرائن کو دیکھ کر بتا بھی دیا, لیکن یہ کون بتا سکتا ہے کہ کتنے گھنٹے بارش برسے گی اور زمین کے کس کس ٹکڑے پر بارش برسے گی؟ کون جانتا ہے؟ ہے دنیا میں کوئی موسمیات والا؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. کہیں گے جی آج تو سائنس نے بتا دیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کیا نہیں. یورپ والے تو بڑی تحقیق کر گئے, ہاں کٹس بن گئی. ہمارا یہ چیلنج ہے کوئی دنیا میں ماں کا لال سامنے آ کر یہ بتائے, آلات کے ذریعے سے بتا دے. ٹھیک ہے اس نے جنس معلوم کر لی لڑکا ہے یا لڑکی, مگر یہ تو بتا دے کہ آئندہ چل کر عقل والا ہوگا یا پاگل, قسمت والا ہوگا کہ بد نصیب, اللہ کا ولی ہوگا کہ فاسق اور فاجر. حدیث پڑھانے والا
اور قرآن پاک پڑھانے والا شیخ القرآن اور شیخ الحدیث ہوگا یا وقت کا سیاستدان اور جھوٹ بولنے والا کون جانتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا. آپ کو پتا ہے کل کیا ہوگا؟ یہی بات قرآن کریم سمجھا رہا ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، میرے لاڈلے پیغمبر کل کے بارے میں مت کہیے کہ کل یوں ہوگا اور میں یوں کروں گا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ، جب تک اللہ کی مشیت کے ساتھ متعلق نہ کر لیں اس وقت تک زبان سے کوئی بات مت نکالو. اس لیے ہم نے 18 دن تک وہی بند رکھی ہے. سبق پڑھانا مقصود تھا کہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں ہو سکتا، کام وہی ہوگا جس میں ہماری مرضی چلے گی. معلوم کیا ہوا؟ سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے اور سب کچھ کر سکنے والا بھی اللہ ہے. باقی بات انشاءاللہ پھر ایک اعلان